केंद्र सरकार ने रेहड़ी पटरी और छोटी मोटी दुकान चलाने वालों के लिए लॉकडाउन में खास योजना का ऐलान किया था, जिसके तहत शुरुआती पूंजी के लिए 10,000 रुपए तक का कर्ज दिया जाना था। मोदी सरकार का मानना था कि कोरोना महामारी से लॉकडाउन के कारण इनकी आजीविका पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। लेकिन इस स्कीम का कितना फायदा रेहड़ी पटरी वालों को मिला, इसकी जानकारी लेने के लिए हमारे संवाददाता ने दिल्ली के जनपद पर रेहड़ी पटरी लगाने वाले गरीब दिव्यांग वर्ग के लोगों व विधवा महिलाओं से बात की तो उन्होंने बताया कि हमें अभी तक किसी प्रकार का लोन नहीं मिला है, फॉर्म भी भर कर जमा कर चुके हैं लेकिन अभी तक कोई पैसा उन्हें नहीं मिला। एमसीडी के अधिकारियों से जब हम लोग लोन की बात करते हैं तो वह दुर्व्यवहार करते हुए वहां से भगा देते हैं और यूनिट बनाने की बात करते हैं, जिसके चलते उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की कि प्रधानमंत्री ऐसी योजना बनाए जिससे कि हमें सीधे खाते में पैसा मिल सके। आइए जानते हैं इन रेहड़ी पटरी वालों से क्या है पूरा मामला। सर, समस्या ये है कि अभी कोरोना काल में मोदी सरकार ने हमारे गंभीरता को देख के, हमारे परेशानी को देख के बेंडरों का 10,000 का लोन पास किया रेहड़ी पटरी वालों के लिए। तो एनडीएमसी है, अलग अलग कैटेगरी निकाल रहा है सर। कभी कह रहे हैं कि 628 को देंगे, विधवा को नहीं देंगे, विकलांगों को नहीं देंगे, आज तक सर किसी को नहीं मिला है। तो मैं यही कहूँगी एनडीएमसी कैटेगरी ना बनाए, मोदी सरकार का ये पैसा हमारे गरीबों के लिए दिया है, रेहड़ी पटरी वालों के लिए 10,000 लोन पास किया है, हमारे रेहड़ी पटरी वालों का ये पैसा है, ये किसी माफिया का नहीं है। 628 करके एनडीएमसी और ये अपना दलाल माफिया लोग 628 वालों को दे रहे हैं, हम लोगों को नहीं दे रहे हैं। मोदी जी ने योजना निकाली थी हॉकर्स के लिए कि हम सभी हॉकर्स के लोन देने हैं, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ बिचौलिए जो दलाल कुछ लोग हैं वो कहते हैं 628 को ही मिलना चाहिए। हमने ऑफिसर से पूछा, एनडीएमसी के ऑफिसर से, कि भाई 628 क्यों, 628 तो है नहीं, ख़त्म है। तो वो बोले कि हमें ऊपर से ऑर्डर है। ऊपर मैंने जा कर के पूछा तो बोला ऐसा कोई बात नहीं है कि 628 है नहीं। तो ये एनडीएमसी खुद अपनी और बिचौलियों की कहने पे ये 628 की लोन दे रहे हैं। दिल्ली से BCN न्यूज़ के लिए संवाददाता ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।